सब आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशल ऑफर है। ये जो मार्केट में 6500 वाला इसी स्टैंड चल रहा है ना, वो आपकी व्यूवर्स के लिए 6000 में और बेहतर क्वालिटी में है। बस इसको आपके व्यूवर्स को मेरा एक मशवरा है कि उठाने वाली बात करें, इसको लेने वाली बात करें। ये सेल मेला, ये सेल मेला समझ लें। ओके हो गया जी आफ्ताब भाई। अच्छा बट सब सबसे दो तो आपका मुवाजना किया, वो दो आपको कलर दिखाए, उसके बाद एक कलर ये आ रहा है, ठीक है, ये डार्क फर्नीचर कलर आ रहा है, ठीक है, उसके आगे ये सेंटर में पड़ा हुआ है कलर, ठीक है, एक ये कलर आ रहा है इसमें वुडन कलर, वुडन कलर, ये भी वुड कलर है, ये भी वुड कलर है, लेकिन फर्क होता है फर्नीचर के कलर में। एक तीसरा वो चौथा कलर वो पड़ा हुआ है, ठीक है, यो भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमत से हर हरीस होंगे। तो करते हैं वीडियो का आगाज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस्ती स्टैंड। आफ्ताब भाई ने सेल मेला लगाया हुआ है, इस्ती स्टैंड में एक ऑफर लगाई है आपके लिए। तो मिलते हैं ना, पूछते हैं कितने का सेल कर रहे हैं और आपके लिए कितना डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आइए फिर मिलते हैं आफ्ताब भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आफ्ताब भाई, सबसे पहले आप ना अपनी शॉप का एड्रेस बता दें। बट साहब ये बेरी वाले चौक से ये बाजार बनता है, बांसा वाला बाजार, और इब्राहिम बेकी के सामने मदनी सेफ ट्रेडर्स के नाम से शॉप है मेरी। जी ओके हो गया। अच्छा आफ्ताब भाई, हमारी ऑडियंस के साथ अपना ना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। 0331-670-8737। जी ओके हो गया। अच्छा ये बता दें कि हमारी ऑडियंस के लिए इस वीडियो में क्या कुछ लेके आ रहे हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। अच्छा बट साहब, इस वीडियो में आपके व्यूवर्स के लिए हमारे पास है इस वक्त प्लाईवुड लेमिनेशन में इसी स्टैंड है, जो कि पहले भी आ रही हैं प्लाईवुड में इसी स्टैंड, उनसे बेहतर क्वालिटी है और दोनों का मुवाजना और अच्छी वाली क्वालिटी उनका आपको वीडियो में अभी बताएंगे आपके व्यूअर्स। ना लोहे की कोई भी चीज़, कोई भी बन रही है, वो अलमारी है या इसी स्टैंड है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और क्वालिटी डाउन हो गई है, रेट ऊपर जा रहा है, क्वालिटी नीचे आ रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए अब प्लाईवुड लेमिनेशन में बना रहे हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारी क्वालिटी आती है प्लाईवुड में, लेकिन ये है कि ये मिड क्वालिटी है, ना ज़्यादा डाउन है ना ज़्यादा हाई है, ठीक है, इसको मिड क्वालिटी में बनाया और ताकि कस्टमर की रेंज में जो है ना वो स्टैंड बने, तो इसकी क्वालिटी बेहतर है। ओके हो गया जी। बस अब ये दो स्टैंड पड़े हुए हैं जो मार्केट में ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है, लेकिन ये हम अपनी चीज़ आइटम बना रहे हैं, नई चीज़ बनाई है हमने, क्वालिटी में बेहतर बनाया, प्राइस में भी कम है, क्वालिटी में भी बेहतर है। अब इन दोनों जो स्टैंड है इनका मुवाजना करेंगे हम। जी सही है। वो जो सामने वाला खुद बनवा रहे हैं आप, ठीक है, और ये मार्केट से आपने खरीदा है? ये मार्केट से खरीद के मुवाजने के लिए हमने इनका कंपेयर करना था दोनों का, ये चीज मार्केट में मिल रही है और वो चीज हम बना रहे हैं, तो अभी आपको बताएंगे कि दोनों में क्या फर्क है और रेट का क्या फर्क है। जी ओके। ये जो स्टैंड के ऊपर टॉप लगी है ना, इस टॉप का आपको फर्क दोनों का बताएंगे। ये आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके कि ये देखें, इसकी ये जो गहराई आ रही है, ठीक है, ये आ रही है 22 इंच, विड्थ इसकी 22 इंच, 22 इंच आ रही है, ठीक है। अभी ये दूसरा स्टैंड आपके साथ पड़ा हुआ है, जी ये देखें, ये 2 फुट आ रहा है, 24 इंच आ रही है, ठीक है, मतलब ये कि दो इंच ये बड़ा, इसकी 2 इंच गहराई इस तरह से बड़ी है। उसके बाद ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है ये आ रही है, चौड़ाई इसकी 4 फुट, 4 फीट है, 4 फीट आ रही है इसकी, ये देख लें आप जी, ठीक है। और अभी इसकी दिखाएंगे हम, जी जी ये देखें, ये 46 इंच है, उससे कम है, ठीक है, 2 इंच का फर्क है इसका। जी ओके हो गया। चौड़ाई में भी और गहराई में भी 2 इंच का फर्क है। सबसे पहला बुनियादी फर्क तो इसका ये आ रहा है, इसकी टॉप छोटी है, ठीक है, इसमें जो टॉप आ रही है ये बड़ी टॉप रही है। कपड़े तो इस पे प्रेस होने हैं बट साहब, ठीक है, वो फिर इस पे दोबारा बार बार इसको कपड़े का आगे पीछे करना पड़ता है, ये बड़ा साइज है, इस पे एक ही दफा कपड़ा आएगा आपको, इजीली इस पे प्रेस होंगे कपड़े। दूसरा इसमें जो फर्क आ रहा है, ठीक है, वो इस चीज का ये देखें, इसकी ये जो शेल्फ है इसके अंदर, ठीक है, ये शेल्फ छोटी आ रही है इसके अंदर, ये देखें, ये आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये आ रही है इसके अंदर 13 इंच गहराई आ रही है इसके अंदर, 13 इंच, 13 इंच है, ठीक है, हो गया। और जो इसके अंदर टॉप लगी है ठीक है, वो 14.5 आ रही है, 14.5 15 नहीं है लेकिन 15 से कम 14.5 है, ठीक है, हो गया। उसके अंदर फोल्डिंग जो ये शर्फ ज्यादा होने का ये फायदा होगा कि डबल तय लगती है कपड़ों की, कपड़े ज्यादा इसमें फोल्ड हो जाते हैं, जी सही हो गया, ठीक है। उसके अच्छा आफ्ताब भाई, अब ना इसकी कीमतें भी जरा बता दें। मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है इनमें, इसके या व्हील दिखा सके, ये इसके व्हील आम व्हील जो चल रहे हैं ना, ये थोड़ी लो क्वालिटी में आते हैं व्हील, ठीक है, ये इसमें चल रहा है व्हील जो मार्केट में चल रहा है ये स्टैंड, और दूसरा जो हमारा भी आ रहा है व्हील,
ठीक है, ये देखें, ये अच्छा व्हील है, थोड़ा मजबूत व्हील है, उसके बाद ये स्टॉपर है, मूवेबल है, ये जिस जगह पे आपने इसको फिक्स करना है ये स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे पीछे मूव नहीं होगा, वो मूव होता रहता है दूसरे वाला। सही है। अच्छा भाई, इसकी कीमत बता दें हमारे ऑडियंस को। अब उसके बाद ये है कि मार्केट में ये सिर्फ ये इसी कलर में आ रहा है, ठीक है, ये फर्नीचर कलर में सिर्फ, इससे इसके अलावा दूसरा कोई कलर नहीं आ रहा। और ये जो हम बना रहे हैं इसमें आपको ये कलर मिलेगा, इसके अलावा और भी कलर आपको दिखाते हैं। प्राइस की बात, ये मार्केट में 6500 में चल रहा है, 6500 में इसका रेट चल रहा है, लेकिन मांगते वो इसका 8000-7000 मांगते हैं, फाइनली ये 6500 में सेल हो रहा है, ठीक है। उससे बेहतर क्वालिटी में, साइज में बड़ा, व्हील भी अच्छे, क्वालिटी अच्छी, हम ये 6000 में आपके व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स के लिए 6000 में ये सेल करेंगे, ठीक है। ये मार्केट में 6500 का मिल रहा है, ठीक है। अभी मुआवजा आपको बता दिया, आपके व्यूज खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि क्वालिटी भी अच्छी है, हर लिहाज से ही अच्छा है, और जो पैसे हैं वो भी मुनासिब हैं। हाँ जी, इसमें इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी मुनासिब है। अभी आपका व्यूवर या कस्टमर खुद डिसाइड करेगा उसने कौन सा लेना है। जी ओके, हो गया। इसके अलावा आपके पास दूसरे कलर पड़े हुए हैं? जी, इसके अलावा कलर हैं, आपको दिखाते हैं। वो भी वुड कलर में आ रहा है, लेकिन वो उसका अपनी शेड है, इसकी अपनी शेड है, इसकी अपनी शेड है। जी ओके, हो गया। अच्छा आफ्ताब भाई, आपने ना आपकी आपने इसकी हाइट एंड विड्थ नहीं बताई, मीन्स के ये चौड़ा कितना है और इसकी ऊंचाई कितनी है। बस अब इसकी ये जो चौड़ाई है ना, ठीक है, ये 42 इंच है, 42, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, हाइट, ये 32 इंच है, 32 इंच है। हाँ जी, इनकी सबकी जो पड़े हुए हैं असिस्टेंट आपके पास, ये सबकी ऐसे ही हाइट एंड विड्थ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी ओके, हो गया। प्राइसेस की अब बात करें तो प्राइसेस इनकी सेम सेम है? प्राइसेस ये कलर का डिफरेंस है, जो ये जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं ये सबकी एक ही प्राइस है, एक ही प्राइस है। ये 6000 में मिल जाएगा आपको, मार्केट वाले जो स्टैंड है उनकी निस्बत ये आपको क्वालिटी में बेहतर, प्राइस में कम मिल जाएगा आपको। जी ओके, हो गया। अच्छा इनके ना जरा ओपन करके दिखाएं हमें, हमारी ऑडियंस को ओपन करके दिखाएं कि इसमें क्या शेल्फ्स हैं, कितने ड्रॉअर हैं, इनको ओपन करें जरा। जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें ये देखें, ये सबसे पहले, ठीक है, इसमें ये आ रहा है सिंपल दराज है, आप इसमें कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं, इसमें शेल्व्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, इसमें ये शेल्व्स हैं, ठीक है, इसमें आप हैं, इसमें भी फोल्ड करके आएंगे, लेकिन इसमें एक शेल्व है, उसमें शेल्व नहीं है, ठीक हो गया। ऐसे ही बने हुए हैं सबके? सभी ऐसे ही डिज़ाइन में सभी ऐसे ही हैं। उसके अलावा इसके ऊपर ये दराज आ रहा है इसमें, ठीक है, ये ड्रा हो गया, ये चैनल लगा इसमें, ये जो कहते हैं इसको अपना चैनल लगा हुआ ना, चैनल है, ये सादा नहीं आ रहा, इसमें सादे भी आते हैं बिल्कुल, वो मतलब के बंद या खुलने में थोड़ा सा मुश्किल हो दिक्कत होती है उनकी, ये बड़ी इजीली मूव हो जाते हैं। जी ओके ओके, ऐसे ही बने हुए हैं सब? जी सभी ऐसे ही। जी आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हर लेटेस्ट से लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों में रहें, खुश रहें, अल्लाह निगेबान।